बिजनौर की नहटौर विधानसभा से विधायक ओम कुमार ने डवाकरा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 4.5 वर्ष में भाजपा सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों व सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई तथा आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसी को लेकर नहटौर विधायक ओम कुमार ने नहटौर के डवाकरा हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें क्षेत्र के भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों को अवगत कराया गया। इस दौरान विधायक कुमार ने भाजपा की तमाम उपलब्धियां गिनाई तथा अपने कोटे से क्षेत्र में जगह जगह सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों को बताया। विधायक ओम कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए एक बेहतर सरकार है, जो कि सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। आपको बता दें कि विधायक ओम कुमार ने अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र में ITI कॉलेज व भारी मात्रा में सड़कों का निर्माण कराया, जिसको लेकर लोग भाजपा विधायक ओम कुमार की प्रशंसा करते नहीं थकते। इसी को लेकर विधायक ओम कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की सैकड़ों उपलब्धियां गिनाई तथा फिर से 2022 में चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। परिषद हल्द्वार में 2,05,50,000 रुपए से 1,060 आवासों का निर्माण कराया गया। नगर पालिका परिषद नहटौर में 13,29,50,000 से 1,241 आवासों का निर्माण कराया गया। पेयजल आपूर्ति के लिए नहटौर विधानसभा में 35,67,55,000 रुपए की लागत से 27 पानी की टंकी बनाई गई। 27 नगर पालिका परिषद नहटौर में 2017 से 2020 तक 4